फ्रॉम ताओबाट। आज हमारा कश्मीर टूर का तीसरा दिन है और यहाँ पे इस वक्त मौसम जो है वो बहुत कमाल का है। मेरा कैमरा आपको दिखा भी रहा है, हमारे कैंप के साथ दरिया जा रहा है और पहाड़ हैं, पहाड़ों में बादल फंसे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। आज का जो प्लान है हमारा वो यहीं पे ताओबाट में स्टे करने का है। अल्लाह से दुआ है कि बारिश कम से कम हो ताकि हम आपको ताओबाट का जो गांव है वो दिखा सकें, ताओबाट का बाज़ार दिखा सकें। और अभी तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं, हमने नींद अच्छी खासी पूरी की है ताकि हम आज का दिन इंजॉय कर सकें और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, निकलेंगे ताओबाट की तरफ। बारिश हुई भी हल्की तो भी निकलेंगे, हमारे पास रेनकोट मौजूद है। अभी हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद देखते हैं सीन क्या होता है। इस वक्त मैं दरिया नीलम के साथ साथ वॉक कर रहा हूँ और मौसम जो है अभी थोड़ा सा साफ हो गया है, बारिश रुक गई है, तो अपने कैंप से बाहर निकले हैं। रुकने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम ताओबाट गांव की तरफ चलते हैं। ताओबाट गांव जो है पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन जो गांव हैं उनमें से एक है। अभी मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं तो ख़ुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम अपने कैंप से निकले और यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये 1 किलोमीटर भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें किस तरह के खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं रस्ते के। इस वक्त मैं ताओबाट के छोटे से बाज़ार में मौजूद हूँ। ये ताओबाट का छोटा सा बाज़ार है और अभी हम ताओबाट विलेज की तरफ जा रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करें। इस वक्त हम ताओबाट गांव में मौजूद हैं, देखें कितने खूबसूरत घर हैं। इर्द गिर्द सारा इलाका सरसब्ज है, पहाड़ हैं और यहाँ से सामने आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये गाँव छोटा सा है लेकिन खूबसूरती से भरपूर है। अभी हम गांव के सबसे खूबसूरत मकाम की तरफ चलते हैं जो कि गांव की बैक साइड पे है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, दरिया बहुत मज़े का चल रहा है साथ साथ और सरसब्ज़ा है, और यहाँ पे रुकने का तो अपना ही मज़ा है। बंदे को बहुत सुकून मिलता है, बंदे का दिल करता है कि मैं यहीं पे बैठा रहूँ। यहाँ पे हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं थोड़ा सा आगे जाके ट्राउट फिश का फार्म भी मौजूद है। ट्राउट फिश जो है ये आज़ाद कश्मीर की सबसे मशहूर और मज़े की मछली है। यहाँ पर दरिया के दोनों अतराफ में बहुत ही रंगारंग खूबसूरत फूल है जो कि यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं और यहाँ पे इंसान को रुकने पर मजबूर करते हैं। Thank you.
ताओबट आज़ाद कश्मीर का वो खूबसूरत तरीन गाँव है जहाँ पे नीलम वैली में आने वाले ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं उनका हाब होता है कि हम ताओबट का चक्कर ज़रूर लगाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी कि कितना खूबसूरत ये इलाका है। अभी मैं आपको ट्राउट फिश का जो फार्म है उसकी तरफ ले कर चलता हूँ। सुनने में आया कि वो क्लोज्ड है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये फार्म जो है किस तरह का बना हुआ है। अगर तो खुला हुआ तो फिर देखने को मिलेगा, वरना हमें वापस ही आना पड़ेगा। तो ये तो बंद है, तो हम वापस चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। इस जगह कुछ देर इंजॉय करने के बाद अभी हम वापस कैंप की तरफ चलते हैं और जहाँ पे हमने कैंप लगाया वहाँ पे सामने पहाड़ पे ताओबट का अपर हिस्सा जो है वो मौजूद है। तो वहाँ से हम लोअर ताओबट का नज़ारा देखते हैं जाके। आ जाएं जी, चलते हैं। लें जी, एक और खूबसूरती देखें ताओबट की। ये जो सामने है ना, ये ताओबट विलेज है छोटा सा, और ये दरिया गुजर है, और ये सारी जनाब होटलिंग है, रिजॉर्ट्स हैं, मज़े का काम है। और अभी मैं जिधर बैठा हुआ हूँ इसको अपर ताओबट का नाम दिया जाता है। और काश जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो आपको कैमरे से भी दिखा सकूँ। मैं गुड इवनिंग कहता हूं और यहां पे आज के दिन का हमारा जो है इख्तिताम हुआ, लेकिन हम अभी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। अभी हम दरिया के किनारे आए हैं और यहां पे कुछ देर हम आवारागर्दी करेंगे, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और उसके बाद फिर हम कैंप में जाके सोएंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।